क्लास नाइन्थ में अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो इस बार आप क्लास टेंथ में स्कॉलरशिप को रेनुअल किस प्रकार से कर सकते हैं उसी का प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देन स्टूडेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा, सबसे नीचे है रेनुअल लॉगिन, यहाँ पर कल्सर ले जाना होगा। उसके बाद पहला है प्री मेट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा जो क्लास नाइन्थ का होगा। उसके बाद यहाँ पर जन्मतिथि डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। देन इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे साइड में देखेंगे तो यहाँ पे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, यहाँ पे क्लिक करके आपको पहले आधार नंबर से वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर सत्यापन होती है, यहाँ पे मोबाइल नंबर वाला ओटीपी डाल के सत्यापित कर लेना होगा, तभी आप आवेदन पत्र को संशोधन करें पर क्लिक कर पाएंगे। जैसे कि यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तभी आप आवेदन पत्र को संशोधन हेतु क्लिक करेंगे। जैसे इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे शैक्षणिक विवरण में, यहाँ पे आपको क्लास टेंथ में जब आपने प्रवेश लिया था वो यहाँ पे डेट डालना होगा। तो यहाँ डेट यही रहने देना होगा, केवल ईयर यहाँ पे चेंज कर देना होगा। उसके बाद क्लास नाइन्थ में पास है तो पास सेलेक्ट करेंगे, क्लास नाइन्थ का जो पूर्णांक था वो डालना होगा। उसके बाद जो भी प्राप्तांक आपने पाया होगा वो यहाँ पे इंटर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्राप्तांक डालने के बाद यहाँ पे नीचे फ्रेंड्स आ गए आपको बैंक विवरण, नीचे बैंक विवरण में यहाँ पे बैंक आप जो होगा नाम वो डालना होगा। उसके बाद जो भी जनपद में बैंक हो वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ब्रांच जहाँ भी होगा बैंक आपको वो सिलेक्ट जैसे यहाँ पे करते हैं, देन ऑटोमेटिकली आपका जो है एफएससी कोड यहाँ पे फेच हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेच हो चुका है एफएससी कोड, यहाँ पे बैंक अकाउंट एक बार चेक कर लेना होगा। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे बैंक अकाउंट फिर से इंटर कर देना होगा, वही पूरा डिटेल्स इंटर करने के बाद अन्य विवरण में आप यहाँ पे क्लास टेंथ में आपने एडमिशन लिया है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद पंजीयन क्रमांक की आपको अपने कॉलेज से पता कर लेना होगा, अदरवाइज यहाँ छोड़ देना होगा। बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड है या सीबीएसई जो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, अभी यूपी बोर्ड हम सिलेक्ट कर दे रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आपने ट्रांसफर लिया है तो यहाँ पे लिखना होगा, अदरवाइज छोड़ देना होगा इसको भी। अभी यहाँ पे आपको चेक करना होगा, चेक बॉक्स पर टिक करके आपको जो कैप्चा यहाँ पे शो हो रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर कर देना होगा। उसके बाद सबमिट कर देना होगा। देन उसके बाद ये सबमिट हो चुका है, अब आपको यहाँ पे साइड में होम के बटन पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आप देखें इस पर भी टिक हो चुका है। अब यहाँ पे जाँच हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट कर यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल करके पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या फिल किया होगा, आपका फोटो वगैरह रजिस्ट्रेशन आईडी सब यहाँ पे शो हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना होगा पूरा डेट वगैरह देख सकते हैं। अब ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे प्रिंट दिस पेज पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना होगा। अब रेनुअल हो जाने के बाद जांच हेतु आवेदन पत्र पे क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना होगा। दिन कॉलेज में ले जाकर के इसको एक बार क्रॉस चेक करवा लेना होगा, अगर आपका डेटा सभी सही है तो वहाँ से जो इसको फाइनल लॉक कर देना होगा। दिन उसके बाद 3 दिन बाद इसको जो फाइनल प्रिंट निकाल के कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट लगा के सबमिट कर देना होगा।